भैया। अच्छा भैया आप आ गए, थैंक गॉड। विवेक अब मैं आ गया हूँ, तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अब अगर तेरी मौत भी चाहे तो भी तेरी मौत टल नहीं सकती। भैया ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सिर्फ कह नहीं रहा, आज मैं करके भी दिखाऊंगा। लेकिन आप मुझे किस लिए मारना चाहते भैया, क्यों मारना चाहते? सौतेला, तू मेरा सौतेला भाई है और मैं अपने सौतेले भाई को अपनी कंपनी के आधे शेयर्स दे दूं? मेहनत मैं करूं और मेरा सौतेला फायदा उठाए? पर मैंने तो आपसे कभी कुछ नहीं मांगा भैया, कभी कुछ नहीं मांगा आपसे। नहीं मांगा इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम कभी नहीं मांगोगे। ये जो कत्लों का सिलसिला चल रहा है इसी में लपेट कर मैं अपने कांटे को हमेशा के लिए निकाल दूंगा। काम मेरा नाम किसी और का। घबरा मत विवेक, मैं आ गया हूँ, मैं अभी एम्बुलेंस बुलाता हूँ। पुलिस स्टेशन, पूरी पुलिस फोर्स लेके करण सक्सेना के यहाँ पहुँच जाइए, वहाँ आपको हथियारा भी मिल जाएगा और लाश भी। हमें एम्बुलेंस चाहिए। एक घंटे तक अवेलेबल नहीं है सर। क्या जी? पुलिस। अच्छा हुआ आप लोग आ गए, मुझे मेरे भाई को हॉस्पिटल लेकर जाना है। अरे विवेक मुझे बचा लो, इंस्पेक्टर साहब मुझे बचा लो। क्या हुआ, किसने मारा तुम्हें? इसने। विवेक देख मैं हूँ, मैं करण हूँ विवेक, तेरा भाई हूँ विवेक। करण तूने मुझे फोन किया था ना, मैं आ गया हूँ विवेक। तू देख वो मैं नहीं था विवेक। ये नहीं विवेक, वो मैं इंस्पेक्टर साहब। विवेक देख इंस्पेक्टर साहब, वो मेरा हमशक्ल था, वो उस दीवार के अंदर गायब हो गया इंस्पेक्टर साहब। अच्छा आजकल खूनी फरार नहीं होते, दीवार में गायब हो जाते हैं। बंद करो अपना ड्रामा, गिरफ्तार करो इसे, मैं इसे हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। उस आखिरी दरिंदे को भी मैंने आज खत्म कर दिया होता, पर उसकी जिंदगी और मौत के बीच उसका भाई आ गया, और किसी बेगुनाह को मारना मेरे लिए पाप है। दिव्या अच्छा वो तू आ गई, विवेक हॉस्पिटल में है, उसे किसी ने मारने की कोशिश की, तू जाकर पता करना। अब तो तुम समझ चुके हो मैं तुमसे बहुत दूर जा चुकी हूँ। लेकिन ये सब कब हुआ, कैसे हुआ? करण मुझे धोखे से बुला के मेरी इज्जत लूटी गई, मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। नहीं दिव्या नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना था। क्या मेरे प्यार पे तुम्हें भरोसा नहीं था? क्या मेरे प्यार की हद सिर्फ तुम्हारे जिस्म तक है? नहीं दिव्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मुझे सिर्फ उन हराम खोरों का पता बता दे, मैं सबको जान से मार दूंगा। उनमें से छह को तो मुक्ति दे दी है मैंने, अब सिर्फ एक बचा है और वो है तुम्हारा भाई विवेक। कैसी बातें कर रही हो दिव्या, वो तो तुम्हारे साथ मजाक भी नहीं कर सकता। मजाक करता तो मैं उसे माफ कर देती, लेकिन उसे मेरे साथ बहुत गंदा खिलवाड़ किया है। ऐसा हो ही नहीं सकता, वो अच्छी तरह से जानता है कि तुम उसकी होने वाली भाभी हो और बड़ी भाभी माँ समान होती है। मेरा भाई सपने में भी ऐसा सोच नहीं सकता। सगा भाई नहीं कर सकता, मगर सौतेला जरूर कर सकता है और उसे मैं खत्म कर दूंगी। दिव्या तुम्हें यह जान के खुशी होगी कि तुम्हारा छोटा भाई जिंदा है। थैंक यू। और तुझे ये जान के दुख होगा कि बहुत जल्द मैं उसे अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। तू मेरे भाई को मारेगा, मेरे भाई को मारेगा तू? साले मैं तुझे जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा मैं तुझे।
हाथ उठाते हो? ये इंस्पेक्टर नहीं है, ये बहरूपिया है। उसने इसने मेरा रूप लेकर मेरे भाई को मारा और आज अरे बकवास कर रहा है। और आज कह रहे कि बंद करो। अरे आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? वो बहरूपिया है, वो जाकर मेरे भाई को मार डालेगा। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो। अतुल को होश आ गया है, उसने आंखें खोल ली हैं। चलिए ना, प्लीज चलिए ना। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। आइए आइए।
सर। अतुल, अतुल, अतुल माय बॉय, क्या हुआ तुम्हें? व्हाट हैपेंड? टेल मी। आज मैं विवेक की जान बचाने के लिए उन शक्तियों से बहुत लड़ा हूं सर। मैं उन्हें मिटा देना चाहता हूं, उन्हें खत्म कर देना चाहता हूं सर, क्योंकि ना अभी तक मेरी हिम्मत टूटी है, ना उसे मारने का मेरा जुनून खत्म हुआ है। I know, लेकिन मैं क्या करूं? इस मिटने वाले शरीर ने मेरा साथ छोड़ दिया है। मेरी आखिरी प्रार्थना है सर, विवेक को बचा लीजिए। प्लीज सेव हिम। इंसान और आत्मा की जंग में जीत परमात्मा की होनी चाहिए। ओह माय सन,